सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला इंस्टाग्राम की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि आप आजकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी है, जो कि इंस्टाग्राम का नया अपडेट आया है जिसके अंदर एक बग है, जिसके अंदर अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं, खोलते हैं इंस्टाग्राम को, तो उसके अंदर क्या होता है, कुड नॉट रिफ्रेश फीड लिख के आने लगता है, जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिसमें मेरे पास एक भाई की रिक्वेस्ट भी आई थी इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, और उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे, क्योंकि मैंने उनसे बोला भाई प्रॉब्लम क्या है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजिए, तो उन्होंने मुझे उसके अंदर कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे। तो मैंने देखा भाई उसके अंदर क्या हो रहा था, वो किसी की भी स्टोरी नहीं देख पा रहे थे भाई, वो कोई भी रिफ्रेश जो फीड पे हमारे पोस्ट आते हैं वो कोई भी पोस्ट नहीं दिख रही थी। तो मैंने इसके लिए रिसर्च करी गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे भी काफ़ी रिसर्च करी, तो मैंने इसके अंदर देखा इंस्टाग्राम का जो नया अपडेट है उसके अंदर ही बग है। तो आप उसको अंदर कैसे बच सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आप लोगों को कैसे चलाना है इंस्टाग्राम को। सो गाइस, मैं आपको इसके अंदर दो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का प्रॉपर इंस्टाग्राम वर्क करेगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और आप लोग लास्ट तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये मैं आपको एक दो तरीके बता रहा हूँ, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, 100% आपका इंस्टाग्राम चलने लगेगा। तो जो सबसे पहला तरीका है, सबसे अच्छा जो सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोगों को क्या करना है, कोई आपका फ्रेंड है जिसका इंस्टाग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप लोगों को उससे कॉन्टैक्ट करना है, उसके पास जाना है भाई, जैसे कि जिसका भी इंस्टाग्राम प्रॉपर वर्क करना है उससे क्या करना है, उसका पुराना वाला है जो, क्योंकि प्रॉब्लम जो है इंस्टाग्राम के लेटेस्ट वर्जन में आई है, उससे क्या करना है, पुराना ओल्ड वर्जन ले लेना है अपने शेयर रीड से, या शेयर करो जो ब्लूटूथ से, जो भी आपको उसका प्रॉपर जो पुराना जो एप्लीकेशन है ना इंस्टाग्राम का, जो भी जैसे जो आपका फ्रेंड है वो यूज कर रहा है पुराना इंस्टाग्राम, ठीक है, आपका नहीं चला क्योंकि आपने लेटेस्ट वाला अपडेट कर दिया है, तो आप क्या करना है, पुराना जो एप्लीकेशन है, जो पुराना इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है वो अपने फोन में ले लेना है, ठीक है, ओल्ड वर्जन यूज करना है आप लोग कुछ हफ्ते के लिए, यानी कुछ वीक यूज कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम को मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम इसके ऊपर वर्क कर रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम को इसके बारे में पता चल गया कि हमारे इसके अंदर बग है, इंस्टाग्राम इसके ऊपर वर्क कर रहा है, और एक हफ्ते में बहुत जल्दी इंस्टाग्राम इसको सही कर देगा, फिर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर लेना, इसको डिलीट कर देना पुराने वाले को। अभी आप कुछ हफ्ते जो है ना इंस्टाग्राम का ओल्ड वर्जन यूज कीजिए, ठीक है, एक ट्रिक तो ये हो गई गाइस, जिससे कि आप लोगों का 100% इंस्टाग्राम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रिक आती है, नेक्स्ट ट्रिक में क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो गूगल पे काफी ज्यादा वेबसाइटें होती हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन सर्च करना है और आप लोगों को वहां से डाउनलोड कर देना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, मैं इसमें किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को आपका प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो कोई भी यूज कर लीजिए, इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर कुछ हफ्ते यूज कर लीजिए, उसके बाद आप थर्ड पार्टी गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिएगा, और उसके बाद आसानी से आप लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। और सेकंड ट्रिक क्या आती है, सेकंड ट्रिक 100% सिक्योर एंड सेफ है, उसके अंदर आप लोगों को कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यह करना है कि इंस्टाग्राम का जो होता है एक लाइट वर्जन आता है गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं फेसबुक लाइट आता है, इसी इंस्टाग्राम लाइट आता है, इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम में ही प्रॉब्लम आई है लेटेस्ट वर्जन में, आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम का लाइट वर्जन डाउनलोड कर लेना, यानी इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में, और उसको कुछ समय के लिए यूज करना है। फिर क्या होगा, आपको जो इंस्टाग्राम का जो लाइट वर्जन होगा वो कुछ टाइम तक वर्क करता रहेगा, और जैसे ही आप इंस्टाग्राम का जो प्रॉपर वर्जन सही हो जाए आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिए और आसानी से यूज कीजिए। यही थी एक छोटी सी प्रॉब्लम, और अगर जैसे और जैसे एक ट्रिक और है जो मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, आप लोगों ने मतलब क्लियर कैसे हो, क्लियर डेटा तो आप कर ही लेते हैं, इतना ये चीज़ मैंने आपको बताया ही थे, तो आप लोगों क्या करना है ये भी करके देख लेना, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो आप लोगों ये तीन ट्रिकें बताइए, इसमें आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से बेहतर वीडियो लाते रहते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।